देखें यहाँ एक मकान भी नहीं था, दो तीन मकान थे, इस वक्त 100 मकान बन गए हैं एक साल के डेढ़ साल के अंदर। ठीक है, तो सोसाइटी बेहतरीन है, मेन रोड के ऊपर है, अल्लाह का शुक्र है। तो झगड़ा कोई रपड़ा कोई मसला कोई तगड़ा इस किस्म की कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहर कराची के अंदर एक ऐसी सोसाइटी का हम दौरा करवाएंगे जिसे आपने शायद कम ही सुना होगा और कम ही देखा होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज हमारे चैनल पे इस सोसाइटी को ज़रूर देखें जो कि आपके लिए हैरान कन होगी। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम मुख्तलिफ इलाकों का विजिट व्यू कराते हैं, वैल्यू बताते हैं और बहुत सारी मालूम देते हैं। तो आज हम जिस सोसाइटी में लेकर आ रहे हैं लाए हैं उसका नाम है अल अशरफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जी हाँ, ये अल अशरफ हाउसिंग सोसाइटी जो है इसके बारे में आज हम मालूम देंगे। गेटेड सोसाइटी है, अच्छी लोकेशन है और सुपर हाईवे से करीब भी है और साथ साथ अंदर की आबादी भी अच्छी मतलब जेंट्री रहती है यहाँ पर और काफ़ी हद तक मकान 70-80 मकान तकरीबन बन चुके हैं और इसकी मालूमात हम आपको देंगे। तो क्या है इस सोसाइटी में, कितने मकानात के क्या पोजीशन है और साथ साथ आपको प्राइसेस भी बताएंगे, कौन से प्लॉट यहाँ अवेलेबल हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो साथ रहिए इंशाल्लाह, आगे चलते हैं आपको उसके बारे में मालूमात देते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इस सोसाइटी में माशाल्लाह देखिए अच्छे खूबसूरत मकानात बने हैं, नए मकानात बने हैं यहाँ पर और 200 गज का इस वक्त ये मकान मेरे सामने ग्राउंड प्लस वन बना हुआ है। इधर भी आप जरा सा अब देखें गौर करें तो अच्छा मतलब मकान, ये 40 फिट की इस वक्त पट्टी है। तो मैं चलता हूँ, अपने दोस्त हैं कि आमिर साहब जिनसे मैं आपको तारुफ कराता हूँ, आमिर में दोस्त पुराने और साथ साथ यहाँ पर इस सोसाइटी में काम भी करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं, खैरियत है, कैसी तबीयत है? बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया, तो थोड़ा सा तारुफ कराएं इस सोसाइटी के बारे में। वैसे हम अभी चलेंगे नाज़रीन, इस वक्त हम अंदर आपको ले चलेंगे, मुख्तलिफ व्यू कराएंगे, दिखाएंगे और इसकी लोकेशन भी आपको समझाएंगे। तो आमिर ज़्यादा सोसाइटी के बारे में बताएं। ये 400 गज और 200 गज और 120 गज की प्लॉट है यहाँ पर और बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत साफ़ सुथरी है, रोड से करीब है, स्कीम 33 में आती है। और दूसरी बात ये है कि 400 गज़ की जो रेट है इस वक्त वो यहाँ पर थोड़ा सा पहले रेट्स के बारे में बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सा बताएं कि इसकी थोड़ा लोकेशन समझाएं और इसके मेरिट डिमेरिट बताएं। आप लोकेशन जो है आप हाईवे से आते हैं ना तो उल्टे हाथ पे नादिर हॉस्पिटल पड़ता है, ठीक है ना, होम्योपैथी शेल का पंप भी है वहाँ, पीएसओ का पंप और शेल का पंप, शेल के पंप से आप अंदर मुड़ जाते हैं तो नादिर हॉस्पिटल उसके बिल्कुल सामने ये पड़ेगा सोसाइटी और बेहतरीन गेटेड सोसाइटी है और नासरा स्कूल भी साथ ही बिल्कुल उसके साथ ही बिल्कुल जो है ना ये सोसाइटी है और बेहतरीन सोसाइटी है और अच्छे खासे घर बन चुके हैं यहाँ पर, बिजली पानी गैस सब मौजूद है, ठीक है ना, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें मौजूद हैं और सब प्लॉट भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, महदूद प्लॉट हैं लेकिन मिल जाएंगे। यहाँ कैटेगरी कौन कौन सी है, 200 गज की, 400 गज की, कौन कौन सी? यहाँ 400 गज की कैटेगरी है, 200 गज की और 120 गज के, टोटल 14 प्लॉट हैं यहाँ पर। अच्छा। और बाकी कमर्शियल में हैं वो थोड़े महंगे हैं, वो मेन रोड पर पड़ेंगे आपको, वो 400 गज कमर्शियल है सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, 400 गज कमर्शियल जी। तो दोस्तों चलते हैं आपको मज़ीद हम यहाँ के विज़िट कराते हैं, व्यू कराते हैं, तो आइए चलते हैं। तो दानियाल है हमारे साथ, तो दानियाल भाई बताएं सोसाइटी के बारे में आप क्या कहते हैं? सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है और हर तरह की सहूलियात हैं, बस थोड़ा लाइट का इशू है जिसकी वजह से लोग सोलर पे मजबूर हैं, बाकी तो अच्छा, बाकी बताएं कि मतलब ये कि सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कुछ। सिक्योरिटी के हवाले से बेहतर है, बहुत बेहतर है। कितनी बार आपकी स्नैचिंग हुई यहाँ पर? फिलहाल अल्लाह का शुक्र अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन बाहर से आते हुए कभी कभार होता है ऐसा। अच्छा, लेकिन ये कि लेट नाइट तो जाहिर है पूरा कराची ओवरऑल सेफ नहीं है तो ठीक है, लेकिन सोसाइटी अंदर आपको अंदर बिल्कुल टहल रही होती है, शाम में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई इशू नहीं है इस तरह का। अच्छा जी जी, अच्छा 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 अच्छा। हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने शम्स साहब हैं, तो मैं चाहूँगा शम्स भाई भी यहाँ पर आपको राय दें और माशाल्लाह जो है यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ पे आकर के बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा मेरा और बहुत अच्छा पुरसकून माहौल है यहाँ पे और रिहाइश भी मिली जुली आबादी है, हमारे दूसरे भाई लोग भी हैं और सब रहते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा इशू नहीं है और सिक्योरिटी हवाले से बाहर की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आप डबल कैद नहीं हुए, इधर भाभी ने कैद कर लिया घर के अंदर आपको और उधर जो सोसाइटी ने कैद कर लिया, कैद तो बहुत ज़रूरी, दूसरी से निकल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। भाभी सुनने के तौर पर हमारी शामत आ जाएगी। नहीं नहीं, अच्छा तो ये सारी मसले, थोड़ा लाइट का ज़्यादा इशू रहता है यहाँ पे, अल्लाह करे कि ये लाइट पर थोड़ा के ही वाले खास तौर से आपको
ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत के हवाले से जिनके पास गाड़ी ना हो? हाँ, उसके लिए भी है प्रॉब्लम। अगर यहाँ से मतलब आप सिंध सर्विस वाले या सिंध पीपल्स वाले अगर अपनी बस चला दें, अपना बैरिए से चला दें या सोराबगोट के रूट के थ्रू टावर तक के चला दें तो बेहतरीन हो जाएगा। ये हमारे साथ मेहताब भाई हैं माशाल्लाह। ये सोसाइटी तो बहुत सही है, ये थोड़ी परेशानी एक तो पानी के लिए शुरू में, ये माशाल्लाह पानी का थोड़ा मसला हल हो गया। अच्छा, ख्वातीन बेचारी बड़ी परेशान होती हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी आंटी अगर थोड़ा सा रमज़ान में किस तरह गुजारा और क्या आप समझती हैं कि क्या होना चाहिए, कुछ आप अगर राय दें ताकि हमारी बात पहुँचे। तो ये देखें ना, गैस तो हर वक्त की ज़रूरत है। अब किसी वक्त भी ऐसा होता है गैस ख़त्म हो जाती है, अब हमारे पास सिलेंडर में गैस है नहीं है, तो हम तो परेशान हुए बैठे रहते हैं ना। और रमज़ान के दिनों में बड़ी परेशानी हुई है इस चीज़ की कि गैस सिलेंडर में पता नहीं चलता किस वक्त ख़त्म हो जाए, और इन लोगों का पता नहीं चलता ये गैस दे ही नहीं रहे। रमज़ान तो ना होने के बराबर हमें तो गैस मिली है, पूरे सिलेंडर पे ही काम हुआ है। माहौल कैसा है यहाँ का? वैसे वैसे अल्लाह का शुक्र है, माहौल तो सही है, अच्छे लोग हैं, सब मिले जुले लोग हैं और नेक शरीफ लोग हैं सब। और 400 गैस के प्लाट हैं यहाँ, 200 गैस के हैं, 120 गैस के बहुत कम प्लाट हैं। और रोडें 40 फीट की हैं, सारी रोड 40 फीट की हैं, ये नहीं कि ये इस रोड पे जो 400 फीट पे है। माहौल दीन के लिहाज से कैसा है, क्योंकि नाम अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माहौल दीनी माहौल भी है यहाँ पे, क्योंकि हम खुद असल में प्रॉपर्टी अपडेट्स की तरफ से भी हम दीन को हम प्रायोरिटी देते हैं। और हम जब भी मस्जिद आती है, मस्जिद भी यहाँ माशाल्लाह मौजूद है, और जब मस्जिद का जिक्र आता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं चैनल पे, भाई कम से कम नमाज को तो ना छोड़े किसी तरह भी, ना अपनी औलादों को औलादों को पाबंद बनाए इसका, ये कम से कम हम डिमांड करते हैं। गुलशन जोहर से एक हमारे यहाँ मुफ्ती साहब आते हैं खास तौर से इस दीन की मेहनत के लिए, हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं यहाँ पे मिलके, तो दीनी माहौल भी यहाँ पे माशाल्लाह। और बस यही है कि बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका लोगों ने नमूल बदल निकाल लिया है, कभी किसी ने चैनल वो सोलर सिस्टम लगाया, किसी ने यूपीएस लगाया है, कुछ लोग जो है ना वो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल मसला है गैस का, गैस की बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, लोग ज़्यादा से सिलेंडर रखा हुआ है लोगों ने, और ख़ास तौर से यहाँ तो बहुत ही प्रॉब्लम है, और रमज़ानों में गैस नहीं दी इन्होंने बिल्कुल। अच्छा, अब हम थोड़ा प्राइस के ऊपर भी आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था, जहाँ आमिर भाई यहाँ के आपके बारे में हेल्प कर सकते हैं, उनके पास भी इन्वेंट्री मौजूद होती है, तो आमिर भाई जरा सा अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ तरीक़ेकार बताएं और प्राइसेस बताएं। मतलब ये तरीक़ेकार ये कि आए आप प्लॉट पसंद करें, और महदूद प्लॉट हैं बहुत, मतलब कि इतना ज़्यादा है नहीं सेल के, लेकिन निकल आते हैं, एक 400 गज की कैटेगरी वो तकरीबन 4.5-4.5 तक का रेट है डिमांड, बाकी 200 गज है वो तकरीबन 2-2.5 तक का मिल जाता है यहाँ पर, मतलब डिमांड होती है, बाकी ऑफर चलती है, बाकी ऐसे ही 1-25, 1-30 में 120 गज के 14 या 18 प्लॉट है टोटल वहाँ पर। अच्छा, तो कम है प्लॉट वो ना, ठीक है, तो जिसके लिए जो है वो जाहिर सी बात है कि डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो 1-25, 1-30 के अंदर मतलब निकलता है वो प्लॉट। अच्छा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा अगर आप लोग कम्युनिटी के हवाले से यहाँ की जो सोसाइटी है वो कैसी है, यहाँ के इंतज़ाम मुंतज़मीन कैसे हैं, ज़रा सी ये बताएं शोज़ भाई। मुंतज़मीन भी ठीक है, मतलब जो मामला था अगर सामने आ जाते हैं, अगर कोई इशू होता है किसी भी मसले का, तो वो हल करने के लिए तैयार रहते हैं। और ज़ाहिर है नाज़रीन के जहाँ मैनेजमेंट अच्छी होती है तो वहाँ चीज़ें भी अच्छी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी कोई फ्लैट्स टाइप के जो अपार्टमेंट टाइप का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर ईमानदार और अच्छे काम करने वाली सोसाइटी में अफराद होंगे, यानी जो लीडरशिप होगी, तो जो कमेटी होगी, तो वो बहुत अच्छी तवज्जो भी देंगे, वो चीज़ों के प्राइस भी बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने सुना है कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो नाज़रीन चलते हैं आगे, आपको मज़ीद मालूम देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम दिन के वक्त आए हैं और हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं नजमुल हसन साहब। यहाँ एक मकान भी नहीं था, 2-3 मकान थे, इस वक्त 100 मकान बन गए हैं 1-1.5 साल के अंदर। ठीक है, तो सोसाइटी बेहतरीन है, मेन रोड के ऊपर है, अल्लाह का शुक्र है। तो झगड़ा कोई रपड़ा कोई मसला कोई तगड़ा इस किस्म की कोई बात कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके लिए भागदौड़ हो रही है, धक्के खा रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, रिजल्ट जीरो। अच्छा, तो हमारे चैनल पर कोई बात कहना चाहें, मुतालबा करना चाहें? आपके चैनल पर यही कहना चाहिए, आप मेहरबानी करके इसमें हमारी मदद करें और यहाँ लाइट आ जाएगी, सब लोग आपको दुआएँ देंगे। हम तो 100% पेमेंट है, कोई यहाँ कुंडा वंडा सिस्टम नहीं है, और बाकायदा टाइम के ऊपर जमा होता है बिल,
लेकिन इसके बावजूद हर सब तरीके गवर्नमेंट यानी गैस मौजूद है लेकिन गवर्नमेंट ने गैस बंद की हुई है। तो भाई हम अपने चैनल से मुतालबा करते हैं यहाँ के मकीनों के लिए, जैसा कि आपने जिक्र किया, इन बुनियादी सहूलियात के हवाले से इस पर जो है ना मुतल्लिका इदारों से हम अपील करते हैं उनको सही करें। अच्छा सड़कें हैं तो चौड़ी लेकिन अभी सड़कें बनी नहीं हैं। हाँ तो ये क्या है, ये इंशाल्लाह बस अब बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया नज़म साहब, आप आए हमारे चैनल पे और दोस्तों साथ रहें, इंशाल्लाह आगे चलते हैं बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त देखिए सामने मौलाना अशरफ अली थानवी, इनका ये नाम लिखा है बाकायदा तख्ती और ये 1970 और 71 में बाकायदा ये सोसाइटी क़ायम की गई है। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आगे कौन कौन सी जगह है यहाँ पर? आगे जो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड पर कोटा टाउन 3A है, उसके अलावा फिर कौन सी बाटवा है, उसके बराबर में सीधे लेंगे। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि अभी आप इंटरव्यूज़ देख रहे थे अल अशरफ सोसाइटी के बारे में, ये मसाइल जो पानी बिजली गैस वगैरह के, ये सिर्फ सोसाइटी का मसला नहीं है, ये तो शहर कराची का मसला है, शहर और उसके अतराफ में ये मसाइल तो हैं ही। इस इंटरव्यू के बाद ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा मसले हैं, मसले होते हैं ज़ाहिर है, हर जगह ही मसले हैं, लेकिन ये कि इसके हम चाहते थे कि आपको प्लस माइनस दोनों आपको चीज़ें दिखा दें आपको। अच्छा दोस्तों, ये थी अशरफ हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपको हमने आज मालूमात दी तफसील से, और यहाँ के जो मकीनों से भी आपको इंटरव्यू करवाया और उनसे भी आपको पता चल गया कि इस वक्त क्या मामला है, किस तरह फैसला आपने करना है। ज़ाहिर है हम ना हम इसको प्रमोट करते हैं, ना हमने कोई इसकी एडवर्टीज़मेंट या हमने उसकी मार्केटिंग ली है, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जिस तरह हम देते हैं, तो उसमें ये भी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो उसमें आज हमने जो सोसाइटी का आपको दौरा कराया, मालूमात दी, आपको गुजारिश करते हैं चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।